हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लेकर आए आप सभी के लिए कुछ प्यारा सा नया ब्लॉग, तो ब्लॉग के साथ एंड तक बने रहिए। और गाड़ी की हालत देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं जाऊँगा आज इसको वॉश करवाने, क्योंकि वॉश करवाना जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है गाड़ी की, तो आज निकलेंगे गाड़ी को धुलाने के लिए। गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं, निवाई क्रॉस कर चुके हैं और बैठे भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो सही हो, बच जाए। और हेलमेट भी लगा रखा था उसने, लेकिन वो बंद नहीं की थी, बंद करना भूल गया, इसलिए तो हमारा भी मूड अपसेट हो रहा है। इसमें हमारी हो गई हालत ख़राब। हम इंतज़ार कर रहे हैं एक अच्छी सी होटल का, जहां हम लोग रुक सकें और चाय पी सकें, क्योंकि अभी हम लोगों ने जयपुर क्रॉस कर लिया है और अब चल रहे हैं मृंगस की ओर, और बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं श्याम बाबा जी। तब तक नहीं, उससे पहले तो हम लोग रुकेंगे होटल पे, तो मिलते हैं होटल पे, चाय वाय पियेंगे, क्योंकि 3 घंटे से हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं, बाहर नहीं निकले इस चक्कर से, तो चाय भी ना बनता है। तो गाइस, अभी हमारा लड्डू उड़ चुका है और ये खा रहा है चिप्स। लड्डू चिप्स खा रहे हो आप, और ये पता नहीं क्या पी रहे, कोल्ड ड्रिंक। और इधर हम बैठे हैं, तो अभी डायरेक्ट हम अब रुकेंगे रिंगस, तो निकलते हैं यहाँ से। गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं रिंगस, और ये जो झंडियाँ दिखती है निशान बाबा के, देखने के बाद सब लोग समझ जाते हैं कि रिंगस की जगह है, क्योंकि यहीं से सब चालू हो जाता है स्टार्ट, और बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ आने के बाद में। सही जाना, तो अभी मैम क्या थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं और भैया चला रहे हैं गाड़ी, और दीदी बैठी है, और सोनिया, और ये हमारी लड्डू बेटी है सोनिया। तो इधर देख तो भीड़, गजबी भीड़ आ रही है यार, आज तो 11 नहीं है फिर भी। ये लेडी की अड़नी जाए चक्कर यार, तो लगाओ ना जोर से, और दोनों साथ में के लिए भीड़, पैदल जाने वालों की नहीं, बहुत ज्यादा देखो ट्रैफिक जो है। क्या ओ नाटक कर रहा है सारा, जब तक ये इधर वाली गाड़ियों ने कर रखा है नाटक। बाबू क्या मिला आपको, ऑरेंज, मजा आ गया। ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा भयंकर, आज खतरनाक भीड़ है, क्योंकि अभी तक हम जितनी बार हम लोग श्याम बाबा गए, आज पहली बार इतनी भीड़ देखी हम लोगों ने, तो हाँ इससे पहले हम लोगों ने कभी इतना क्राउड नहीं देखा। और वैसे कल 11 थी, कल तो बहुत ही भयंकर क्राउड था, मैंने किसी से बात की थी, तो आज भी मैंने भैया को कॉल किया था, तो भैया ने बताया था कि आज भी संडे है, फिर भी आना भी जरूरी था, तो आज से भी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भयंकर भयंकर वाली भीड़ है। रुक के चल रही है गाड़ी। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने कर दिया गाड़ी को पार्क, और बहुत ज्यादा भी फुल है यहाँ पे एकदम, मतलब जगह भी नहीं है पार्किंग की, देख सकते हो। और इधर इनकी हालत हो गई है खराब, फोन ले लिया आपने, अब ले लिया। तो अभी हम चलने वाले हैं, अब होगा असली जद्दोजहद चालू, तो असली माहौल तो अब होगा। और लड्डू आज फाइनली आई गई गोदी में, वरना नाटक करती है बारी, पहली बार लिया चोरी को, पैसे देना उसको
नहीं नहीं कुछ नहीं लेगी, ना 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 एक गाइस तो भी हम जा रहे हैं ऑटो में छोटा सा भाई बैग, अरे भाई तू भी ले लो तो बैग तो यार, अरे तो बैग में ढाल में बैग जाऊंगा जा सकता नहीं क्या, बैग नहीं ले रहा ये हमें पीछे कर दिया गाइस अभी हम जा रहे हैं बैग तो जान मारे जान आई जब बोल बका ये देखो इनकी जान में जान आई है अब क्या क्या आ रहा भाई बैग तो ले आ जा कदी मा जा देखते हैं मंदिर में क्या हालत होगी, उधर गाड़ियां देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी हमें, तो कोई बात नहीं है चलते हैं, लेकिन आज दर्शन करके जरूर जाएंगे क्योंकि दो बार हो गया ऐसा यही हम आते हैं लेकिन दर्शन नहीं होते, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे आके गए थे हम जब भी पटवन थे तो दर्शन नहीं हुए थे और इस बार जयपुर आके चले गए थे। लड्डू को दिखाओ लड्डू कैसे हो रही है, लड्डू चापल लड्डू लड्डू के चापल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के आसपास और अभी हम जा रहे हैं रास्ते से, इधर वाले रास्ते में थोड़ा क्राउड कम है, ठीक है ना भैया, तो भैया बहुत ही अच्छे आदमी है हमें मिले हमारे तरफ के ही है, बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, ठीक है भैया ना मैं कॉल कर दूंगा आपको, ठीक है, तो यह है चांदा वाला बालाजी जय बजरंग बली की, ये यहाँ शनिदेव महाराज का मंदिर है और यहाँ बजरंग बली का मंदिर है, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, तो सभी लोग सोनिया जय बोलो जय बोलो जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय, लड्डू बोलो जय बोलो लड्डू जय बोलो जय जी। तो ये है बाबा श्याम की गलियां और इन गलियों में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, यह हकीकत है और बहुत ही अच्छा फील होता है, सारे जितने भी दुख दर्द है वो सब भूल जाते हैं आने के बाद में, और ये आ रहे हैं पीछे पीछे और मैं कुछ ज़्यादा आगे निकल गया था और भैया ने भी वीडियो चालू कर रखा है, तो बहुत ही अच्छे देख सकते हो कितने आदमी जा रहे हैं, तुम बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड देख सकते हो आप, बहुत भयंकर क्राउड है, बहुत भयंकर भीड़ है बहुत, तो फाइनली हम लोग लगे हैं लाइन में, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन में, तो जय श्री श्याम सभी को जय श्री श्याम, तो फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद हम लोगों को दर्शन हो चुके हैं बाबा श्याम के, आराम से सो रही है, तो अभी हम निकल रहे हैं वापस, भैया ये है हमारे श्री श्याम का गेट खाटू श्याम मंदिर, तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए लेकिन वापस हम यहाँ है इस जगह पर क्योंकि ये जगह लगभग सब लोगों ने देखी होगी, तो जिन्होंने भी ये जगह देखी है कमेंट में ज़रूर जवाब देना, तो सोनिया भी आ गई है साथ में, अब एक दो रील्स बना लेते हैं हम और फिर निकलेंगे घर, अभी तो खाना वाना खाएंगे फिर निकलेंगे, भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि आते टाइम में वीडियो बनाने की बिल्कुल 1% भी सूझी नहीं, हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, बाकी अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खा के हम लोकप्रिय हो गए हैं और ये कर रहे हैं लड्डू की खिलाई पिलाई चल रही है और साफ़ सफाई भी चल रही है, तो बस अब हम निकलेंगे यहाँ से, खुद ही पहुँच रही हूँ चले, चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे और रात के बज गए 2, तो हम बड़ी मुश्किल के बाद पहुँच चल गए घर पे, मम्मी भी जाग गई है पापा भी जाग रहे हैं, पापा ने तो अभी कॉल किया है 1 घंटे पहले, तभी मैं जाता हूँ गाड़ी में से फ़ोन निकाल के लाता हूँ।